Hello friends, myself Ramakrishna from Manoj IAS, again with you. Today we are going to deal IVC, Indus Valley Civilization, also known as Harappan Civilization. First thing is this, yesterday we mentioned the whole syllabus of Indian history, but today we are going to start Indian history, ancient India, ancient Indian history. So first, write down the syllabus of ancient Indian history. IVC, Indus Valley Civilization, Rig Vedic period, and later Vedic. Mahajanpadas, after then religious movement, यहां से religious movement में हर बार कोई ना कोई question पूछा, 2017 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है. Main focus हमारा रहेगा Buddha and Jaina. After then, rise of Magadha, अच्छा दोस्तों छोटी सी बात है, मगध का उत्कर्ष में कई कारण थे, मगध के राइज में कई कारण थे. एक जो मेन कारण था वो था लेटर वैदिक में डिस्कवरी ऑफ आयरन. जब आयरन बने उनकी वजह से हथियार बने और जंगल साफ हुए. जनपद उसे कहा जाता है जहां पे जनों के पद, जनों के पैर पहले पड़े, उसे जनपद कहा जाता है. फिर जनपद के लिए संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, और उसके बाद 16 महाजनपद निकल के सामने आए. फर्स्ट एविडेंस हमको जो 16 महाजनपदास का मिलता है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुंतर निकाय में मिलता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवरल टाइम आज क्वेश्चन. फर्स्ट एविडेंस जो है हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुंतर निकाय से मिलता है. सेकेंड डिफरेंस ऑफ 16 महाजनपदास भगवती सूत्र से मिलता है, जैन टेक्स्ट है ये. यहां तक देख लेते हैं. उसके बाद हरियत डायनेस्टी, थोड़ा सा रब कर लेते हैं दोस्तों. नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग, फिर आप आते हैं मौर्य डायनेस्टी. शिशुनाग को आप रहन दीजिए भी. फिर आते हैं हम मौर्य डायनेस्टी. फिर पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट मौर्य. फिर गुप्ता डायनेस्टी. फिर पोस्ट गुप्ता. इसमें आपके पाल पतिहार राजकुल जो थ्री पावर्स थी, और जिस तरह पहले पाटलिपुत्र था उस तरीके से जाके फिर कन्नौज हो गया. कन्नौज के लिए थ्री पावर्स में स्ट्रगल हुआ पाल पतिहार एंड राष्ट्रकूट में. ठीक है साथियों, और देखते हैं हमारा मेन टॉपिक आज का आईवीसी. यहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है, कहीं ना कहीं से घुमा के पूछता ही पूछता है. आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन. Why it's known as Indus Valley Civilization? हिंदी में बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता. सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों क्यों बोलेंगे, क्योंकि अधिकांश साइट्स इसकी सिंधस रिवर के पास मिली है, इंडस रिवर के पास मिली हुई है, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. इट्स ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज
हड़प्पन सिविलाइजेशन। वाय? बिकॉज पहला डिस्कवर्ड साइट जो था वो हमारी हड़प्पा थी, वो हमारी हड़प्पा थी, ठीक है, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी से बोला जाता है। एंड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रोंज उगाया, तो इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और से रिवर वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, नदी घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके अधिकांश स्थल जो थे वो नदियों के किनारे फैले हुए थे, और नदियों के किनारे फैले होने से उनको क्या मिला, हड़प्पा सिविलाइजेशन किस चीज के रूप में जानी जाती थी, सरप्लस एग्रीकल्चर, सरप्लस एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड थी नदियों के किनारे, एग्रीकल्चर खूब अच्छे से हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइट्स, पहली है हड़प्पा, हड़प्पा है पहली। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। अभी हम जान लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। इट वॉज लोकेटेड इन वेस्टर्न पंजाब इन पाकिस्तान। यहां से एविडेंस क्या क्या पाए गए दोस्त, सबसे पहली चीज ये पूछता है, यहां से क्या क्या पाया है, एविडेंस क्या क्या पाया है। यहां से ग्रेवयार्ड पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, लेबर बैरिक्स पाए गए हैं, ग्रेवयार्ड पाए गए, लेबर बैरिक्स पाए गए। एक मदर गॉडेस की स्टैचू मिला है यहां पे, जिसे कहते हैं फिगर मिला है, जिसके यूट्रस से एक प्लांट निकल रहा है, उसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी उर्वरता की देवी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो तीन बार पूछा हुआ है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और कई बार से क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो फिल्म भी बन गई इस पर दोस्तों, ठीक है, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज इसको डिस्कवर किया था आरडी बनर्जी ने, आरडी बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था, और ये सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान में अभी लोकेटेड है, सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान में अभी लोकेटेड है। अब यहां से पूछता है, क्या है क्वेश्चन, कहां से उठाता है एविडेंस, क्या यहां से मिला है दोस्तों, क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां से मिली है मोहनजोदड़ो से, लिख लीजिए चाहे तो, ब्रोंज फीमेल डांसर, कांसे की नेत्र की। एंड सेकेंड वन, ग्रेट गैलरी, दिस इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ आईवीसी विच इज सिचुएटेड इन मोहनजोदड़ो, ग्रेट गैलरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ आईवीसी कौन सी है, तो दिस इज ग्रेट गैलरी एंड ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। एंड मोहनजोदड़ो ऑल्सो नोन एज माउंट्स ऑफ डेट, माउंट्स ऑफ डेट यानी प्रेतों का टीला। यहां बहुत सारे स्केलेटन पाए गए हैं, ऐसा माना जाता था कि आर्यन इन्वेजन हुआ है, या कोई महामारी आई या एपिडेमिक कोई आया जिससे ये इतने सारी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या पाया गया मोहनजोदड़ो से, क्या एविडेंस मिला है वो भी देखते हैं। प्रीस्ट स्टैचू, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसके बेयर्ड है, दाढ़ी है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे कई सारी चीजें हैं, अर्थक्वेक के भी एविडेंस मिले हैं मोहनजोदड़ो से, अर्थक्वेक के भी एविडेंस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट साइट है चानूदाड़ो, देखते हैं दोस्तों यहां से क्या क्या एविडेंस हमें मिले हैं, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उसके बारे में हम जानेंगे, चानूदाड़ो के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या मिला है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई गोपाल मजुमदार, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई गोपाल मजुमदार, इट वॉज लोकेटेड इन पाकिस्तान,
सिंध प्रोविंस। सबसे बड़ी चीज यहां पे मिली है जो हमारी माताएं बहनों के पर्स में होती है हमेशा, लिपस्टिक। एंड काजल, काजल एंड जिग जैक ब्रिक्स, मतलब ऐसे ईंटें थी इस प्रकार की, ऐसी ब्रिक्स मिली। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट साइट है उसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोहनजोदड़ो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वैसे ही अपनी लोथल, लोथल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइट लोथल, ये गुजरात में है। इट वॉज लोकेटेड इन गुजरात इन अहमदाबाद एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसको डिस्कवर किया था। यहां से अपने को क्या मिला है, फायर अल्टर्स, हिंदी में बोले तो अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं। कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस इसको हवन कुंड मानते हैं, बट कुछ हिस्टोरियंस इसको हवन कुंड नहीं मानते, इसको चूल्हा भी मानते हैं, बट फायर अल्टर्स इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या मिला यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, कपिल बरियल यानी युग्म शवदान। एक लड़का और एक लड़की को, एक युवक और एक युवती को एक साथ दफनाया गया। कुछ लोग इसका सती का अनुमान लगा रहे थे, बट रिसेंट रिसर्च ये नहीं कहती सती का अनुमान गलत है यहां पे। ठीक है, कपिल बरियल मिला है। उसके बाद इजिप्ट सील, इजिप्ट की सील मिली है हमको यहां से। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा विदेशी व्यापार था, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड दोनों हमारे थे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज इसके यहां से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यहां से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परेशान ना होइए दोस्तों, चिंतित ना होइए, मनोज आईएएस के माध्यम से सभी जीएस के पोर्शन हैंडल किए जाएंगे और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि लॉकडाउन में घर में बैठे आप अध्ययन कर सकते हैं। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। लोथल होगी दोस्तों। एंड नेक्स्ट साइट है हमारी, एक इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन, कालीबंगन यानी ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियां। ये राजस्थान में, इट वॉज लोकेटेड इन राजस्थान इन गंगानगर, इट वॉज लोकेटेड इन राजस्थान इन गंगानगर एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई अमलानंद घोष। जो भाई लिखना चाहते हैं, जो साथी लिखना चाहते हैं, प्लीज लिख लें, अमलानंद घोष। अब यहां से एविडेंस क्या क्या मिले हैं देख लेते हैं। यहां से भी फायर एल्टर्स मिला है हमें, फायर एल्टर्स मिली है। सेकेंड, कैमल बोन्स, ब्लैक डेंगल्स, ये चीजें हमको यहां से मिली हैं। फर्स्ट प्लॉ फील्ड, यस एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फर्स्ट प्लॉ फील्ड यानी पहले जुते हुए साक्ष के खेत, जुते हुए साक्ष, खेत के साक्ष। ये चार चीजें हमें कहां से मिली है दोस्तों, कालीबंगन से। आगे आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे देखते हैं हम लोग। पहला था टाउन प्लानिंग, दूसरा था This is अर्बन सिविल, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, अगर हम कहें तो यह फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जा सकती है, अर्बन सिविलाइजेशन।
ड्रेनेज सिस्टम, जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था, जो आज भी हम लोग प्रेजेंट में भी देख रहे हैं। हमारे घर के बाहर नालियां हैं और नालियां सीधे मेन होल से कनेक्टेड है। ये तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स में थी इनकी। अब देख लेते हैं दोस्तों, टाउन प्लानिंग पे बात करते हैं, बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। टाउन प्लानिंग, टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। इन अपर टाउन देयर वाज अ सिटाडेल हियर, सिटाडेल यानी किला, वेयर रिच पीपल इंजॉय, वहां पे रिच पीपल रहते थे, जो रिच लोग थे वो वहां पे रहते थे। और लोअर टाउन जो था नॉर्मल पब्लिक के लिए था, लोअर टाउन फॉर नॉर्मल पब्लिक, जो यहां रहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों रोड्स की। रोड्स आर क्रॉसिंग ईच अदर इनटू द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, जो सबसे अच्छा था यहां पे। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, ड्रेन्स मेड अप ऑफ जिप्सम लाइम एंड मोटार, जिप्सम लाइम और मोटार से मिलकर ड्रेन बनाए जाते थे, और वो घर के बाहर होती थी और इस सीवर से कनेक्टेड होती थी, मेन होल से कनेक्टेड होती थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिलीजियस लाइफ ऑफ आईवीसी। हर किसी का अपना अपना रिलीजन होता है, विश्व में कई सारे रिलीजन है, ठीक है। तो यहां भी एक रिलीजन था, क्या रिलीजियस लाइफ थी इनकी देख लेते हैं। आईबीसी, फेथ ऑन नेचुरल पावर्स, इनका विश्वास प्राकृतिक शक्तियों पर था, फेथ ऑन नेचुरल पावर्स। यूजेस ऑफ लॉकेट्स, उससे पता चलता है कि भूत प्रेत आदि पे ये विश्वास करते थे, लॉकेट्स। दे वर्शिप द मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। दे ऑल्सो वर्शिप द पशुपति शिवा, प्लीज, पशुपति शिवा। दे ऑल्सो वर्शिप द सन, सन वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, एंड द वर्शिप ऑफ लिंगा एंड योनी, वर्शिप ऑफ लिंगा एंड योनी, वर्शिप ऑफ लिंगा एंड योनी। दे वर्शिप ट्री एंड एनिमल, दे वर्शिप ट्री एंड एनिमल ऑल्सो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आईवीसी में, हर किसी सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी जिंदगी हो, कोई भी लाइफ हो, हर किसी की भाषा लिपि होती है, तो यहां भी थी। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट द स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, चित्रलिपि जिसे कहते हैं, खुदी हुई लिपि थी,
चित्रलिपि विच वॉज येट अनडिसाइफर्ड, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है. इट वॉज रिटन इन राइट टू लेफ्ट. If we talk about the important crops of IVC, crops, I want to mention wheat, barley, and somewhere rice also. The evidence of rice we found in Lothal and Rangpur. बोथ आर सिचुएटेड इन गुजरात. अब बात कर लेते हैं एनिमल्स. हॉर्स और कैमिल का प्रेजेंस था वहां पे आईवीसी में, बट इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सका था. हॉर्स बोन्स वी फाइंड इन सुरकोतरा. अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कितना था उस पर भी बात कर लेते हैं. इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कितना था, कितना था इस पर भी बात कर लेते हैं. दोस्तों फ्रेंड्स, ये सिविलाइजेशन आपकी पंजाब, राजस्थान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न यूपी तक कवर करती थी. काफी लंबी सिविलाइजेशन थी, काफी वास्ट एरिया जो कवर करती थी. ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको नहीं छोड़ सकते हम लोग. आईवीसी का नदर नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट क्या थी, मांडा. कई बार पूछा गया है. वॉज लोकेटेड इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ऑन द बैंक ऑफ चेनाब रिवर. नाउ वी टॉक अबाउट द साउदर्न मोस्ट लिमिट ऑफ आईवीसी. इट वॉज दैमाबाद इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर. इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, गोदावरी रिवर. अब फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न लिमिट ऑफ आईवीसी. तो इट वॉज सुतका गेंडोर. इट वॉज लोकेटेड इन बलूचिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर दशक भी बोलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न लिमिट ऑफ आईवीसी, इट वॉज आलमगीरपुर इन वेस्टर्न यूपी मेरठ ऑन द बैंक ऑफ हिंडन एयरबेस भी है दोस्तों इंडिया का, और बहुत अच्छा एयरबेस है हिंडन रिवर. इसको उतार लीजिए दो मिनट, कॉपी इट, राइट डाउन. तो सारी चीजों की तो बात हो गई, अब मेन चीज होती इकोनॉमी. किसी भी सिविलाइजेशन की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. यहां से क्वेश्चन उठेगा और कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हमारे नोट्स में भी मिलेंगे आपको.
दोस्तों मैं अपनी हर क्लास में कहता हूं, फिर कहता हूं, निराश मत होइए, सब कुछ भगवान न करेगा, भगवान न करे सब कुछ भी हार जाइए, लेकिन जीतने की उम्मीद अपने दिल में हमेशा जिंदा रखिए। और हारना तो आपने है ही नहीं दोस्तों, यंग जनरेशन है आप लोग, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मुझे मालूम है काफी बच्चों के फोन मेरे पास आते रहते हैं, अभी भी कई बच्चों के फोन आए सर कि हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराइए। मैंने कहा सर जब तुम लोग पूरी तैयारी में हो तो हम भी तैयारी से उतरते हैं, मैदान छोड़ के जाना नहीं है, मैदान में टिके रहना है। और मनोज आईएएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप लोग को कि एक मिनिमम शुल्क में आपको जीएस पूरी कराई जा रही है। और भी टीचर्स हैं जो कोई पॉलिटी ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, सर अपने अपने विषय के उन्हें महारत हासिल है। आइए आगे बढ़ते हैं। रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, इस चीज पे हमेशा विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आईवीसी, बेसिकली दोस्तों देखिए यहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स था, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रेजेंट ओवर दैट, ठीक है, फ्लरिश ट्रेड था, फला फूला ट्रेड था। ट्रेड क्यों हुआ, इतना ट्रेड क्यों हमारा फ्लरिश था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ ट्रेड वेर प्रेजेंट एंड इंटरनल फॉरेन ट्रेड भी था और अंतरदेशीय व्यापार भी था, दोनों की मौजूदगी थी। क्यों इतना ट्रेड था, क्योंकि सरप्लस एग्रीकल्चर था यहां पे। उस कारण भाई आपको अगर 10 किलो गेहूं की आवश्यकता है, नेसेसिटी है, और आपको 100 केजी गेहूं दे दिया है तो बाकी का आप बेचोगे, ट्रेड करोगे, तो इस तरह ट्रेड होने लगा। और भी हमारे पास संसाधन थे, सोर्सेस थे, उनसे भी हमको चीजें मिलती थी, उनका भी ट्रेड होने लगा, ठीक है। तो दोनों चीज थी, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सरप्लस एग्रीकल्चर था, तो इसकी इकोनॉमी जो थी अपने आप में बहुत अच्छी थी। अब दोस्तों बात करते हैं, जहां अपनी राइस की ये सिविलाइजेशन, वहां कहीं ना कहीं इसने डिक्लाइन भी किया और डिक्लाइन होती चली गई। डिफरेंट हिस्टोरियंस गिव द डिफरेंट कमेंट्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। तो लेट्स सी किसने क्या कहा है। फेयर सर्विस कहते हैं, फेयर सर्विस एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं इकोलॉजिकल इंबैलेंस, पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, ठीक है। व्हीलर कहते हैं सडनली एंड, मतलब अकस्मात खत्म हो गई। एक रिसेंट रिसर्च ये भी निकल के आती है दोस्तों कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, जो वहां पे अच्छे रिसोर्सेस थे जिससे ये सभ्यता फ्लरिश हो रही थी, फल फूल रही थी, जो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ तो रिसोर्सेस खत्म होने लगे, तो चीजें अपने अपने आप अंत की ओर, पतन की ओर बढ़ने लग गई। जॉन मार्शल कहते हैं अर्थक्वेक या फ्लड, बाढ़ भी आई। और गार्डन चाइल्ड एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं आर्यन इन्वेजन्स, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत ज्यादा नरकंकाल मिले हैं जिस कारण से उसको मॉन्स ऑफ डेट कहा जाता है। तो कुछ हिस्टोरियन इसका भी अनुमान लगाते हैं, डिफरेंट थ्योरीज है आईवीसी के ऊपर, ठीक है। दोस्तों आज का क्लास मेरा यहीं तक, कल मिलते हैं, थैंक यू गाइस।